नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। एक नजर हेडलाइंस पर। पेशावर की बाचा खान यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले में 24 लोगों की मौत। अमेरिका ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हमले की निंदा। काबुल में रूसी दूतावास के पास आत्मघाती हमला। अफगान टीवी चैनल की बस को बनाया निशाना। 7 लोगों की मौत, 25 घायल। हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या पर कई राज्यों में विरोध। सरकार ने कहा मामले को दलित बनाम गैर दलित बनाने की कोशिश। राजनीतिक दलों ने कहा सीबीआई जांच कराए सरकार। सचिवालय छापेमारी पर दिल्ली सरकार की पीएमओ से स्पष्टीकरण की मांग। सीबीआई अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट जाने की तैयारी। अदालत ने सीबीआई को जब्त फाइलें लौटाने का दिया आदेश। और अमेरिकी वैज्ञानिकों का सौर मंडल में नया ग्रह खोजने का दावा। आकार में पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है प्लैनेट 9। नेपच्यून से अरबों मील की दूरी पर कर रहा है परिक्रमा। पेशावर की बाचा खान यूनिवर्सिटी में कल हुए आतंकी हमले में 24 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान की तरफ से किए गए हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा अफसोस जताया। अमेरिका ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो पाकिस्तान के साथ है। पेशावर से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद चरसद्धा की बाचा खान यूनिवर्सिटी। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे करीब 3,500 छात्र विश्वविद्यालय के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान यानी बाचा खान की पुण्यतिथि पर होने वाले मुशायरे की तैयारियों में मशरूफ थे। इसमें शिरकत करने आए करीब 600 मेहमान भी उस वक्त कैंपस में थे। तभी घने कोहरे की आड़ में यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होकर आतंकियों ने बेगुनाह छात्रों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने जल्द ही पूरे कैंपस को अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक विश्वविद्यालय परिसर से करीब 10 धमाकों की आवाजें भी आई। हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे भी थे कि गिर पड़े, उसके हालात भी खराब हुए। और बाज़ लोग उसे मैंने ये भी देखा है, ये भी सुना है कि बाज़ बच्चे जो होते थे या बाज़ सिक्योरिटी वाले होते थे वो शदीद जख्मी भी हुए। उसकी खून भी आई थी उसके जिस्म पर भी और शदीद तकलीफ भी हुआ। पिछली साइड से फायरिंग की आवाज़ आई है, बस उधर से हमने कहा पता नहीं किसकी झगड़ा हुआ या क्या हुआ, आगे से फिर फायरिंग ज़्यादा होने लगी। हमारे यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी वालों ने भी बड़ा तगड़ा वो किया है, पाकिस्तान आर्मी ने भी बड़ा तगड़ा वो किया है। हमले की सूचना मिलते ही सेना ने मोर्चा संभाल लिया। घायलों के इलाज के लिए पेशावर के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने सैकड़ों छात्र और यूनिवर्सिटी स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने सभी 4 आतंकियों को मार गिराया। बाद में पाकिस्तान सेना के प्रमुख राहिल शरीफ ने यूनिवर्सिटी कैंपस जाकर हालात का जायजा लिया। अभी तक रेस्क्यू 1122 ने 19 जांबहक अफराद की लाशें जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल की हैं और 20 के करीब जख्मी ऐसे हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के साथ साथ जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बच्चों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बच्चों और आम लोगों को मारने वालों का कोई धर्म नहीं होता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाचा खान विश्वविद्यालय पर हुए आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ित परिवारों को सांत्वना, जख्मियों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इससे पहले दिसंबर 2014 में आतंकियों ने पेशावर के एक स्कूल में भी हमला करके कई बेगुनाह बच्चों को निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के पास कल एक आत्मघाती हमलावर ने अफगान टीवी चैनल टोलो की मिनी बस को निशाना बनाकर धमाका किया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग जख्मी हुए। विस्फोट से आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला तालिबान शांति वार्ता को बहाल करने के मकसद से हुई दूसरे दौर के अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के 2 दिन बाद हुआ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने सोमवार को काबुल में एक दिन की बैठक की थी
जिसका मकसद बातचीत के जरिए 14 साल के तालिबान चरमपंथ का अंत करना है। पहले दौर की बातचीत पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में हुई थी। दोनों दौर की बातचीत में तालिबान का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। که واسطه کرولای سرنویس کرولای سراچه برنگ سفید میایه در این رفتار در جاده عمومی حمله متربم بالای از موتر اجرا میکنه که الا اکنون हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले पर विरोध कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हैदराबाद पहुंचने के बीच ही सरकार ने कल इस मामले पर सफाई दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि आत्महत्या के मामले को दलित बनाम गैर दलित के टकराव का रूप देने की कोशिश की जा रही है। कई राजनीतिक दलों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद बुधवार को लगातार तीसरे दिन छात्रों का विरोध जारी रहा। यह विरोध हैदराबाद से निकलकर दिल्ली के अलावा भोपाल और कोलकाता में भी नजर आया। स्थिति को भांपते हुए सरकार ने अपने 3 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को दलित बनाम गैर दलित का रूप देने की कोशिश की जा रही है। ये कोई दलित वर्सेस नॉन दलित का झगड़ा नहीं है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के आधार से जो हमको उपलब्ध हुआ है, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से जो हमें उपलब्ध हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सम्मुख आज मैंने इसे प्रस्तुत किया है। लेकिन विपक्षी दल सरकार की इस दलील से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने दोहराया है कि छात्रों के मामले में सरकार के 2 मंत्रियों और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बेजा दखल देकर गलत किया है। कांग्रेस पार्टी ने 3 के इस्तीफों की मांग की है और साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दौरे को भी जायज ठहराया है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये इंक्वायरी कमीशन अपनी जाँच करे सिटिंग हाईकोर्ट जज की और एक टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट आए। बीजेपी ने राजनेताओं के दौरों को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन इस बीच बुधवार को भी बीएसपी सीपीएम टीएमसी आरपीआई समेत कई राजनीतिक दलों के नेता हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे। सभी ने रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले की जांच की मांग की है। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इट कुड बी जुडिशियल, इट कुड बी नॉन जुडिशियल, बट समथिंग इन इंक्वायरी व्हिच इज नॉट बीइंग फॉइस्टेड बाय द सेम मिनिस्टर हु हैज थ्रू हर प्रेशर क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड दिस अनफॉर्चुनेट सुसाइड। पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी में हुआ है इसका मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ और इसी तरह का हादसा दोबारा ना हो इसके लिए मैनेजमेंट ने पूरी कोशिश करनी चाहिए और रोहित के इस सुसाइड की आत्महत्या की सीबीआई जांच हो इसके लिए मैं मतलब कोशिश करने वाला हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले हैं। पीएचडी के दलित छात्र रोहित वेमुला ने रविवार को अपने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी। हालांकि सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं लिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम बुधवार रात तक इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को इस साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। मीटिंग में तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष इलांगोमन के अलावा तमिलनाडु के पार्टी संगठन के पदाधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इसमें क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन और अकेले चुनाव लड़ने पर सुझाव दिए गए। कांग्रेस से संबंध तोड़ने के करीब 3 साल बाद डीएमके ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को उनके दल के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का न्योता देने की बात कही थी। इसके बाद कांग्रेस इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सचिवालय पर छापेमारी के लिए पीएमओ से स्पष्टीकरण की मांग की है। केजरीवाल ने मांग तब की है जब दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को दिल्ली सरकार को लौटाने का निर्देश दिया है। सीबीआई की निंदा करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को भी कहा। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि राजनीति से प्रेरित यह कार्रवाई प्रधानमंत्री के इशारे पर की गई ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय को बदनाम किया जा सके। पीटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार सीबीआई के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अदालत जाने का विचार कर रही है जो 15 दिसंबर को दिल्ली सचिवालय पर छापेमारी में शामिल हुए थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों से बेहतर संबंध के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 14वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर रिश्तों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों को केंद्रीय करों में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 5,26,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि 2014-15 में ये रकम महज 3,48,000 करोड़ रुपए थी। इंडिया गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज टेकन सम इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फॉरमोस्ट इज द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ डिविजिबल टैक्स पूल फ्रॉम 32% टू 42% एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। गृह मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्यों को और फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस कानून से कर चोरी की समस्या खत्म हो जाएगी। इट विल हैव फार रीचिंग इंप्लिकेशंस एंड विल हेल्प यूनिफाई द होल कंट्री एज ए मार्केट एंड लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। राजनाथ सिंह ने कहा कि नीति आयोग का मकसद राज्यों को मजबूत करना है, इससे राज्यों से संवाद की प्रक्रिया तेज हुई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने बिजली कीमतों से जुड़ी नीति में संशोधनों को बुधवार को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद 24 घंटे बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं के लिए लागत घटाना है। इसके अलावा शहरों में कचरे से खाद बनाने वालों को प्रति टन 1,500 रुपए सब्सिडी देने का फैसला भी किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बिजली सेक्टर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने पावर टैरिफ पॉलिसी 2006 में संशोधनों को मंजूरी दी। इन संशोधनों से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना को मजबूती मिलेगी और सबको सस्ती दर पर 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। हर एक रेगुलेटर को ये कहा गया है कि राज्य सरकार के साथ मिलके वो एक ट्रैजेक्टरी बनाए कैसे और कम से कम समय सीमा में हर घर तक, हर उद्योगपति तक, हर उद्योग कारखाने तक, हर दफ्तर तक, हर दुकानदार तक कैसे सबको 24/7 बिजली पहुंचाने का उनका रोड मैप क्या होगा, ये मैं उनको जरूरी बना के हमें देना पड़ेगा। कैबिनेट ने ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला किया। देश के शहरों में हर साल 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है और इसे ही ऑर्गेनिक खाद में बदलने की योजना है। बैलेंस फर्टिलाइजेशन भी लाने के लिए इस कंपोस्ट का अहम उपयोगिता है और आज तक पिछले 68 सालों में कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी नहीं था। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दी। इसके लिए 5050 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने गंगा किनारे की 150 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इनमें चीनी मिल और चमड़े के कारखाने भी शामिल हैं। इन इकाइयों में दूषित जल उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली नहीं लगाने की वजह से बंद करने का आदेश दिया गया है। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। इस वजह से गंगा में औद्योगिक प्रदूषण के काफ़ी कमी आई है। उनके मुताबिक 764 औद्योगिक इकाइयों में से 514 ने ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था लागू कर ली है। 94 इकाइयों में ये लगाई जा रही है। हाल ही में NGT ने वाराणसी में गंगा नदी में प्रदूषण पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। अमित शाह का BJP अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना जाना लगभग तय हो गया है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 24 जनवरी को स्वीकार किए जाएंगे और उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जरूरी होने पर 25 जनवरी को चुनाव कराया जाएगा। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह का कार्यकाल 23 जनवरी को खत्म हो रहा है। अगर अमित शाह फिर से BJP के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो ये उनका पहला पूर्ण कार्यकाल होगा। अभी तक वो राजनाथ सिंह के 3 साल के कार्यकाल की शेष बची अवधि को पूरा कर रहे हैं। राजनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। अमित शाह ने 9 जुलाई 2014 को BJP के अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली थी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थानी गीत संगीत, रेगिस्तान की आबो हवा में घुली लोक संगीत की मिठास। जैसे
हमारे दूसरे बच्चे जिसके खिलौने होते हैं उनके गुड्डा गुड्डी वगैरह वो खेलते हैं, तो हमारे जो खिलौने ये कमाईचा हारमोनियम ढोलकी हमारे खिलौने हैं। मंगनियार बिरादरी के बेहद हसीन सितारे मामी खां से कहावत है कि मांगनियार का बच्चा अगर रोता है तो वो भी स्वर्ग। इस बार शख्सियत में मिल गई मामी खां से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त नियुक्ति के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे गुमराह किया। कोर्ट ने पूछा कि 20 महीने में चयन समिति एक नाम पर सहमति क्यों नहीं बना सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति का मामला फिर से चयन समिति के पास नहीं भेजा जाएगा और साफ कर दिया कि रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को नियुक्त करने का फैसला भी नहीं बदला जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने राज्यपाल राम नाईक को चिट्ठी भेजकर इस पर एतराज जताया था। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पूछा कि सुरक्षा के मसले पर दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। कोर्ट ने यह टिप्पणी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। दरअसल गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस में 14,000 जवानों की भर्ती को मंजूरी दी थी। इस पर वित्त मंत्रालय ने पूछा कि इस भर्ती की क्या जरूरत है। हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि जब गृह मंत्रालय मंजूरी दे चुका है तो रकम जारी करने में क्या दिक्कत है। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार CCTV कैमरे लगाने पर भी 450 करोड़ रुपए खर्च नहीं करना चाहती। ईस्ट नीति को मजबूती देने के लिए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 1 फरवरी से ब्रुनेई और थाईलैंड का दौरा करेंगे। इसका मकसद दोनों देशों से आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है। ये पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति ब्रुनेई जाएंगे। दोनों देशों के बीच 1984 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। ब्रुनेई से 3 फरवरी को उपराष्ट्रपति थाईलैंड जाएंगे। 50 साल में पहली बार भारत के किसी उपराष्ट्रपति की ये पहली थाईलैंड यात्रा होगी। Brunei has been supportive of India's stand on Jammu and Kashmir. It extends its support for India's candidature for permanent membership on the United Nations Security Council. Brunei is also cooperating with India at various multilateral fora. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री को 13वें शैलीकार प्रभाकर सम्मान पुरस्कार से नवाजा। ये सम्मान जाने माने लेखक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की 109वीं जयंती के मौके पर बुधवार को दिया गया। उपराष्ट्रपति ने पत्रकारों, न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए दी जाने वाली खबरों की पड़ताल करने और जनता तक सही खबर पहुंचाने पर जोर दिया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थीं। वैश्विक मंदी का असर भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। पिछले 28 महीने में रुपए की कीमत में बुधवार को सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 42 पैसे की रिकॉर्ड गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया 68.07 रुपए के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन बाद में ये 67.95 के स्तर पर बंद हुआ। 4 सितंबर 2013 के बाद रुपये का ये सबसे निचला स्तर है। वहीं शेयर बाजार में भी बुधवार को 52 हफ्तों का निचला स्तर रिकॉर्ड किया गया। BSE का सेंसेक्स 417 अंकों की गिरावट के साथ 24,062 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 125 अंक लुढ़ककर 7,309 पर बंद हुआ। भारत और ब्रिटेन कर चोरी रोकने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। लंदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली और ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ओसबोर्न की मुलाकात के बाद इसकी घोषणा हुई। इसके लिए कर चोरी से जुड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी। दोनों नेताओं ने 8वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता भी की। भारत और ब्रिटेन ने ढांचागत परियोजनाओं और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का ऐलान भी किया। ब्रिटेन ने स्मार्ट सिटी परियोजना में भी सहयोग का वादा किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने यहां निवेशकों से मुलाकात की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 46वीं बैठक बुधवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। बैठक में दुनिया भर से करीब 2500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली और रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन शिरकत कर रहे हैं। बैठक के पहले दिन शरणार्थियों की समस्या, विश्व अर्थव्यवस्था और चौथी औद्योगिक क्रांति यानी डिजिटल उद्योग के विकास पर चर्चा हुई।
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के पहले दिन शरणार्थी समस्या चर्चा के केंद्र में रही। इस दौरान कहा गया कि विकसित देश पलायन करने वाले की परेशानी को समझें और अपने देश में आने वाले शरणार्थियों को समाहित करने की पहल करें। Well, I've said publicly, we love the country doesn't love us. So it's going to depend on the warmth of the welcome and the comprehensiveness of the integration program. बैठक में पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में बढ़ती हिंसा और उसके चलते पलायन करने वाले लोगों के पुनर्वास के तरीकों पर भी चर्चा हुई। We are willing to set up special economic zones that will employ these refugees. Now, when you do that, not only are you giving the refugee the sense of economic self-sufficiency, which will lower the cost of hosting refugees. दावोस में डिजिटल उद्योग का फैलता दायरा यानी चौथी औद्योगिक क्रांति भी चर्चा का एक अहम मुद्दा है। इस पर चर्चा के दौरान डिजिटल उद्योग से जुड़े दिग्गजों ने कहा कि साइबर और डिजिटल फैलाव का फायदा सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। There is going to be economic surplus that's going to be created because of this fourth industrial revolution. The question is how evenly will it be spread between countries, between people in different economic strata and also different parts of the economy. इस बीच बैठक में शिरकत कर रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत 8-9% की विकास दर हासिल करने के रास्ते पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल सरकार ने भारतीय सीमा से लगे तराई क्षेत्र के 100 से ज्यादा गांवों के लिए करीब 5 अरब रुपए की विकास योजना पेश की है। ये तराई वाला क्षेत्र नए संविधान को लेकर हुए प्रदर्शनों से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। नेपाल सरकार के इस कवायद को संविधान का विरोध कर रहे आंदोलनकारी मधेसी समुदाय को खुश करने की कोशिश माना जा रहा है। 4.92 अरब रुपए के कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मोहतारी जिले में आज होगा। क्षेत्र के आधारभूत विकास के लिए कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2019-2020 तक चलेगा। ईरान ने कहा है कि वो सीरिया में शांति के लिए हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने सीरिया में शांति कायम करने का रास्ता भी सुझाया। जरीफ ने कहा कि सीरिया में सभी पक्ष हिंसा रोकने पर राजी हों, इसके बाद वहां एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जा सकती है। जरीफ ने सुझाव दिया कि सीरिया के संविधान में संशोधन करके वहां नए चुनाव कराए जा सकते हैं। ईरान का यह सुझाव सीरिया पर प्रस्तावित शांति वार्ता से पहले आया है। सीरिया 2011 से हिंसा की चपेट में है। गृह युद्ध के चलते यहाँ लाखों लोग बेघर हुए हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। A 4-point plan: ceasefire, national unity government, constitutional reform, elections based on the new constitution. I believe that's the basic framework that our secretary Kerry says lies at the foundations of the new Security Council resolution. So we are prepared, we are determined to assist in this process. भारत ने अपना GPS सिस्टम बनाने की दिशा में बुधवार को एक और कदम बढ़ा दिया। इसके लिए इसरो ने नौवहन प्रणाली से जुड़े IRNSS सीरीज के 5वें उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बाकी बचे 2 उपग्रहों का मार्च तक प्रक्षेपण हो जाएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाई दी है। 3, 2, 1, 0. आसमान को चीर कर आगे बढ़ता ये है IRNSS सीरीज का 5वां उपग्रह IRNSS-1E। साल के पहले सफल परीक्षण ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और मील का पत्थर रख दिया। बुधवार सुबह 9:31 पर नौवहन उपग्रह IRNSS-1E का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया। इसे अंतरिक्ष यान PSLV-C31 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 19:20 के भीतर ही ये उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। ये उपग्रह देश की अपनी GPS प्रणाली विकसित करने में मददगार साबित होगा। Today with this new year we are starting the Indian Regional Navigation Satellite's 5th launch, 5th of the 7 satellite constellation, and with this satellite in place within our country we will be able to get 24/7 a good positional accuracy. And let me take this opportunity to congratulate the entire ISRO team for the wonderful work they have done. And we have a long way to go. We have 2 more satellites in this constellation.
which we intend to complete in next couple of months. IRNSS-1E अपने साथ दो तरह के पेलोड ले गया है. इसमें एक नेविगेशन जबकि दूसरा रेंजिंग पेलोड होगा. नेविगेशन पेलोड यूजर को नेविगेशन सेवा से जुड़े सिग्नल भेजेगा और ये L5 और S बैंड में काम करेगा. रेंजिंग पेलोड में C बैंड का एक ट्रांसपॉन्डर लगा होगा जिससे उपग्रह की रेंज के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी. PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये 33वां राउंड का लॉन्च है. 44.4 मीटर लंबा और 1425 किलोग्राम के इस सैटेलाइट पर 1400 करोड़ का खर्च आया है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. अमेरिका के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में एक नया ग्रह खोजने का दावा किया है. वैज्ञानिकों का दावा है कि ग्रह में पृथ्वी के करीब ये ग्रह पृथ्वी से करीब 10 गुना बड़ा है. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े वैज्ञानिक इस ग्रह को फिलहाल प्लैनेट 9 कह रहे हैं. उनके मुताबिक ये नेपच्यून से अरबों मील दूर सूरज की परिक्रमा कर रहा है. हालांकि इस बारे में शोध के नतीजे कंप्यूटर मॉडलिंग पर आधारित है लेकिन वैज्ञानिकों को यकीन है कि ये ग्रह अस्तित्व में है. We found that the only explanation we can come up with for some very strange behavior at the edge of our solar system is that there's a giant planet, a planet that's 10 times the mass of the Earth, that is much, much further out than Neptune on this very elliptical orbit. We haven't seen it yet, but we've seen its gravitational influence on the outer part of our solar system. So we know it's there. We're starting to look. बात क्रिकेट की. कैनबरा में कल खेला गया चौथा वनडे भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है. 5 मैचों की सीरीज में भारत की ये लगातार चौथी हार है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 348 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की अच्छी शुरुआत के बावजूद 323 रनों पर ऑल आउट हो गई. शिखर धवन ने शानदार 126 और विराट कोहली ने 106 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज आरन फिंच ने शानदार 107 रन बनाए जबकि वॉर्नर ने 93 रन बनाए. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. पेशावर की बादशाह खान यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले में 24 लोगों की मौत. अमेरिका ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हमले की निंदा. काबुल में रूसी दूतावास के पास आत्मघाती हमला. अफगान टीवी चैनल की बस को बनाया निशाना. 7 लोगों की मौत, 25 घायल. हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या पर कई राज्यों में विरोध. सरकार ने कहा मामले को दलित बनाम गैर दलित बनाने की कोशिश. राजनीतिक दलों ने कहा CBI जांच कराए सरकार. सचिवालय छापेमारी पर दिल्ली सरकार की PMO से स्पष्टीकरण की मांग. CBI अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट जाने की तैयारी. अदालत ने CBI को जब्त फाइलें लौटाने का दिया आदेश. अमेरिकी वैज्ञानिकों का सौर मंडल में नया ग्रह खोजने का दावा. आकार में पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है प्लैनेट 9. नेपच्यून से अरबों मील की दूरी पर कर रहा है परिक्रमा. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर. नमस्कार.